Hello students, welcome to my YouTube channel Easy Physics by Sachin. As you all know that we have started the second lesson of 10th science, acid, bases and salts in the last class, and today we are going to study some another topics. And our first topic is reactions of acids and bases with metal. Reaction of acid with मेटल। हमारे पास कोई भी मेटल होगी, हमको क्या करना है, हमको ये देखना अभी वो मेटल हमारी एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करती है। सपोज करो हमारे पास जिंक ग्रैनुअल्स हैं, जिंक ग्रैनुअल्स मतलब जिंक मेटल जो है उसके कुछ पीसीज हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, उसके उसको डाल देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में, H2SO4 एसिड में, ठीक है। अब होता क्या है, वहां पर कुछ इस टाइप की रिएक्शन हमारी होती है। जैसे ही जिंक को मेटल को हम किस में डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है भाई, ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस, प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो मतलब जब भी हमारा कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाता है, साल्ट बनाता है। क्या बनाता है, साल्ट। और साल्ट के कौन सा साल्ट है, ये जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। और हमारी क्या रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज हो जाती है। तो भाई जब भी कोई मेटल किसके साथ रिएक्ट करेगी, एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, क्या फॉर्म करेगी, तो साल्ट फॉर्म करेगी, ठीक है। दूसरा उसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगर हम जनरल वे में कहें तो लिख सकते हैं इसको, मेटल जब भी किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, क्या बनाएगी, वो बनाएगी भाई साल्ट प्लस वाटर। क्या बनाएगी, साल्ट प्लस वाटर, क्लियर है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई बेस है, वो करता है रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल। एक्चुअल में ये रिएक्शन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, ज्यादातर मेटल हमारी बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करती। कुछ एक मेटल है रिएक्टिव में, क्या है भाई, जिंक ही ले लेते हैं। लेट अस से जिंक है हमारी, जिंक कोई मेटल है, वो किसके साथ रिएक्ट करती है, बेस। बेस हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, कौन सा बेस ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या अभी लिख दो यहां पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये जब रिएक्शन कराती हैं तो इनके रिएक्शन में कुछ ऐसा कंपाउंड बनाता है Na2ZnO2, और साथ में हमारी गैस हाइड्रोजन बाहर निकल जाती है। मतलब यहां से जब भी हमारी, या तो मेटल है, मेटल एसिड के साथ रिएक्शन कर ले या फिर मेटल बेस के साथ रिएक्शन कर ले, दोनों ही केसेस में हमारा क्या बाहर निकलता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। क्या बाहर निकलती है भाई, हाइड्रोजन। और इस कंपाउंड का क्या नाम है, सोडियम जिंकेट। क्या नाम है, सोडियम जिंकेट। और वो मतलब बेसिस की जो रिएक्शन है मेटल्स के साथ, वो क्या होती है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। जनरली मेटल्स हमारी बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करती, जो भी करेंगी वो कौन सी गैस इवोल्व करेंगी, हाइड्रोजन गैस इवोल्व करेंगी, ठीक है। इसको बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पर 2Na है ना हमारे, हम यहाँ कर देंगे 2NaOH, ठीक है। अभी रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। इसमें ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान रखना है जब भी एसिड या फिर बेस मेटल के साथ रिएक्शन करेगी, एक तो हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे, दोनों एसिड में क्या फॉर्म होगा हमारा, साल्ट फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, साल्ट फॉर्म होगा। कुछ और रिएक्शन हमारी किसकी, एसिड की देख लेते हैं हम, किसकी भाई, हमारा जो नेक्स्ट है वो है, अगर हमारा मेटल कार्बोनेट, क्या है, मेटल कार्बोनेट, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, ये क्या करते हैं, रिएक्ट्स विद एसिड। जब भी ये हमारे एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, देखो भाई कार्बोनेट ग्रुप क्या होता है हमारा, CO3, और हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3। ये तो हमारा क्या है,
कार्बोनेट है और ये क्या है हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो हमारे पास कोई हम मेटल कार्बोनेट की बात करते हैं, मेटल मतलब सोडियम मेटल ले लेते हैं हम और उसका कार्बोनेट बनाएंगे तो होता है Na2CO3, इसका क्या नाम है सोडियम कार्बोनेट। जब सोडियम कार्बोनेट हमारा किसके साथ रिएक्ट करता है भाई, एसिड के साथ रिएक्ट करता है। हम मान लेते हैं हमारे पास कौन सा एसिड है, HCl है। क्या है, HCl है। जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो भाई देख दो चीजें हमेशा बाहर निकलेंगी, एक तो निकलेगा वाटर बाहर, दूसरी निकलेगी CO, एक तो वाटर दूसरा CO2, और ये सोडियम इस क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बना लेता है NaCl, क्या बना लेता है NaCl। NaCl क्या होता है हमारा साल्ट, ये हो गया वाटर और ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब भी कोई मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट वाटर और CO2। क्या फॉर्म करता है भाई, सॉल्ट वाटर एंड CO2, ये चीजें वो क्या करता है फॉर्म करता है। ठीक है, ये तो हमारी कार्बोनेट की बात। अगर हम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लें तो हम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेते हैं NaHCO3, ये क्या हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये क्या कर रहा है HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो भाई देखो यहां पर भी साल्ट वाटर और CO2 यही बनेगा, क्या बनेगा तीनों चीज यही बनेगी, NaCl बन जाएगा प्लस वाटर बन जाएगा प्लस CO2 बन जाएगा। ठीक है, दोनों केस में यही चीजें बनती है। रही बात बैलेंस करने की, इसको हम बैलेंस कर देंगे, जैसे यहां पर H2 है, यहां पर भी कितने H है 2 है। ठीक है, यहां पर क्लोरीन 1 है, यहां पर भी क्लोरीन 1 है, यहां पर ऑक्सीजन 1, 2, 3 है और यहां पर कितने हैं 3 है, तो ये इक्वेशन बैलेंस है, बट ये बैलेंस नहीं है, ऊपर वाली बैलेंस करनी पड़ेगी हमको। ठीक है, यहां पर 3 ऑक्सीजन है, वहां पर भी 3 ऑक्सीजन है, यहां पर 2 सोडियम है और यहां पर कितने सोडियम है 1 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा इसको 2 करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 2 क्लोरीन हो गए, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, यहाँ पर क्लोरीन 1 है, तो हमें इसको भी 2 करना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन 2 हो गए, तो यहाँ पर भी कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन। क्लियर, तो जब भी मेटल कार्बोनेट, ये क्या हमारा मेटल के साथ कार्बोनेट ग्रुप है और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हो गई हमारी मेटल, सोडियम एक मेटल है, हाइड्रोजन और ये कार्बोनेट, जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये भी क्या बनाएगा साल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या क्या बनाएंगे, साल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जनरल वे में अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, जो हमारा मेटल कार्बोनेट है या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो जब भी किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या क्या फॉर्म करेगा, साल्ट फॉर्म करेगा, ठीक है, वाटर फॉर्म करेगा और CO2 फॉर्म करेगा। जनरल वे में हम ऐसे लिख सकते हैं, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे साल्ट बनाएंगे, वाटर बनाएंगे, CO2 बनाएंगे। ठीक है, अब जो ये CO2 है भाई, एक बार तो इसका स्क्रीनशॉट लो, आप लोग स्क्रीनशॉट मेरे ख्याल से ले लिया, मैं इसको एक बार इस साइड वाला इरेज कर देता हूँ। अब इन दोनों केसेस में यहाँ पर CO2 गैस निकली है, क्या निकली है CO2 गैस। अगर मैं लिखता हूं यहाँ पर क्विक स्लेट लाइन, स्लेट लाइन मतलब लाइन वाटर लेना मेरे को, क्या लेना है लाइन वाटर, जो हमारा चूना होता है ना, चूना उसके अंदर जब पानी डाल देते हैं ना तो हमारा बन जाता है स्लेट लाइन या फिर लाइन वाटर, हमने वो ले लिया भाई CaOH2 होता है, क्या फॉर्मूला होता है इसका CaOH2। भाई इस फॉर्मूले को याद कर लो, कई बार पूछा जाता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्लेक लाइन, तो ये हमारा किसका फॉर्मूला भी है, स्लेक लाइन का भी फॉर्मूला है। ठीक है, मैं लिखवा दूंगा इस चैप्टर के लास्ट में, हमको बहुत सारे फॉर्मूले याद कर लेने हैं। ठीक है, अब भाई जैसे ही ये CO2 के साथ रिएक्ट करता है, जो यहाँ पर CO2 जनरेट हुई ना, ये गैस, ये CO2 जो निकले यहाँ पर, उसकी रिएक्शन में इसके साथ कराता हूं तो हमारा क्या बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट।
सॉलिड्स फॉर्म में व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं इसके, और साथ में हमारा H2O बाहर निकल जाता है। और ये चीज बता क्या है, तुमने चौक का फॉर्मूला सुना है, चौक चौक क्या होता है, या फिर इसमें इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन, और जो मार्बल होता है ना हमारा मार्बल, वो भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब ये सारी चीजें हैं कैल्शियम कार्बोनेट की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। क्या होती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट्स की अलग अलग फॉर्म्स ये होती है हमारी। क्लियर है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, अभी ज्यादा कुछ वो इसमें है नहीं, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, जब भी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट वाटर और CO, ये तीन चीजें वो फॉर्म करने वाले हैं। क्लियर है, एक काम करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अपने कॉपी में, आप लोगों को नोट्स बनाने साथ ही साथ, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब स्टूडेंट्स, अगर हमारा एक एसिड है वो किसके साथ रिएक्ट कर जाए, बेस के साथ रिएक्ट कर जाए, एसिड अगर किसके साथ रिएक्ट कर जाए, बेस के साथ रिएक्ट कर जाए, तो क्या होगा, लेट अस से हमारे पास एसिड है HCl, क्या है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस में हम इसमें एक बेस डाल देते हैं NaOH, कौन सा बेस डाल देते हैं NaOH, तो होगा क्या, ये तो हमारा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस में ब्रेक होता है, और ये ब्रेक होता है Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में। अब ये चीज और ये चीज ये आपस में मिल जाती है और क्या फॉर्म कर देती है, 1H 1H, यहाँ पर बन जाता है हमारा H2O, क्या बन जाता है H2O, और ये चीज आपस में मिलके क्या बना देती है NaCl, मतलब यहाँ पर बन जाता है साल्ट और यहाँ पर बन जाता है वॉटर। तो जब भी हमारा एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, एक तो बनाएगा सॉल्ट, दूसरा क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, ठीक है। ये दो चीजें वो आपस में फॉर्म करते हैं जब भी एक एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, एक बेस के साथ रिएक्ट करता है। क्लियर है अभी, ठीक है। अब कुछ और चीजें मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, आपको कई बार एसिडिटी हो जाती है, क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, पेट में ज्यादा एसिड बन जाता है हमारे स्टमक में, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, शॉप पे जाते हैं और शॉप से इनो लेकर आते हैं, इनो, ठीक है, काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड वाला, ठीक है, जो हमको बहुत जल्दी रिलीफ दे देते। एक्चुअल में होता क्या है, उसके अंदर जो हमारी इनो है उसके अंदर क्या होता है, एक बेस होता है, क्या होता है, बेस, और हमारे जो स्टमक, हमारा जो स्टमक है उसमें क्या होता है, एसिड होता है। तो जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, स्टमक में जो प्रेजेंट है उस एसिड के साथ वो बेस जब क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो वहां पर क्या फॉर्म कर देता है, साल्ट बना देता है और वाटर बना देता है, मतलब एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देता है, जिससे हमें, हमको इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, ठीक है। यही है उसका इनो का बेसिक प्रिंसिपल, कि वो क्या होता है, एक्चुअल में एक बेस होता है। क्लियर है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास कुछ और रिएक्शन है, जैसे अगर हमारा मेटालिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है, क्या, रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड, हमारे पास कोई मेटालिक एसिड है, लेट अस से कॉपर ऑक्साइड, कौन सा ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड, इसमें मैं डाल देता हूं डाइल्यूट HCl, क्या डाल देता हूं, डाइल्यूट HCl। अभी डाइल्यूट क्या होता है, अभी समझाने वाला हूं थोड़ी देर बाद में इसको, ठीक है, डाइल्यूट का मतलब एक तो वहीं पर बताऊंगा भाई, ठीक है। ये क्या बना देता है, यहाँ पर बन जाता है कॉपर क्लोराइड, और साथ में होता क्या है, वाटर बाहर निकल जाता है। अब ये क्या हमारा कॉपर ऑक्साइड, क्या भाई, कॉपर ऑक्साइड, और ये क्या है, एसिड, क्या बनाया, साल्ट बनाया, प्लस में वाटर बनाया। ये कॉपर क्लोराइड क्या है, साल्ट है, और H2O क्या है, वाटर है, ठीक है। अब देखो भाई इस रिएक्शन पर ध्यान दो, ये एसिड है, यहां पर एक एसिड था, ठीक है, और क्या क्या बन रहा था, साल्ट बन रहा था और वाटर बन रहा था, यहां पर भी क्या बन रहा था, साल्ट बन रहा है और वाटर बन रहा है। अब एसिड किसके साथ रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बना रहा है, यहां पर एसिड है जो बेस के साथ रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बना रहा है, ठीक है। यहां पर क्या है, एसिड है, एक और कंपाउंड है, दोनों साल्ट और वाटर बना रहे हैं। तो हमको पता है भाई एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा ना तभी वो साल्ट और वाटर बनाएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर ये एसिड है और साल्ट और वाटर बना रहा है, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, हमारा बेसिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए,
बेसिक, बट ये है क्या, कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड हम कह सकते हैं ये हमारा मेटल ऑक्साइड है। क्या है? मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड यहाँ पर क्या कैसा है हमारा बेसिक, इसका मतलब जो मेटल ऑक्साइड का नेचर होता है वो कैसा होता है, बेसिक होता है। बेसिक इन नेचर, क्या होता है, बेसिक इन नेचर। जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर। तो हम कह सकते हैं मेटालिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि भाई जो मेटालिक ऑक्साइड्स है उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। अब अगर हमारे ये तो हमारा मेटल है, मेटल के साथ ऑक्साइड है, अगर ये नॉन मेटल के साथ ऑक्साइड हो, अभी देखो यहां पर रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स विद बेस। हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, बेस के साथ कराते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड की। सपोज करो हमने अभी अभी पीछे एक रिएक्शन पढ़ी हुई, जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो एक्चुअल में क्या है, एक बेस होता है, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और हमने इसकी रिएक्शन कराई थी CO2 के साथ, और CO2 क्या है, ये कार्बन होता है नॉन मेटल, और ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हो गया, मतलब ये कार्बन का ऑक्साइड हो गया। तो ये क्या हमारा, देख दूं मैं यहां पर, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, ये हमारा कैसा ऑक्साइड है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। और इसने क्या बनाया था भाई, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में वाटर, ये चीज बाहर निकलती निकली थी। अब देखो ये क्या है, ये भी हमारा क्या होता है, एक साल्ट होता है, और ये क्या है, वाटर, और ये क्या है, बेस। अब बेस किसी चीज के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, साल्ट और वाटर बना रहा है। अब अगर बेस किसी चीज के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट और वाटर कब बनाएगा, जब वो चीज हमारी क्या हो, एसिड हो। इसका मतलब जो ये चीज है ना CO2, ये क्या हमारी एसिडिक है, एसिडिक इन नेचर। कैसी है भाई, एसिडिक इन नेचर। तो जो हमारे नॉन मेटालिक ऑक्साइड हैं आर एसिडिक इन नेचर। क्लियर है भाई, जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं वो क्या होंगे, हमारे नेचर के अंदर एसिडिक होंगे, और जो मेटालिक ऑक्साइड्स हैं वो क्या होंगे, क्या होंगे, बेसिक होंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, दोनों के दोनों। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो इसका, ठीक है भाई। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा इसमें वो है कि भाई जो जब भी हम किसी एसिड या बेस को वॉटर के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, जब किसी एसिड या बेस को हम किसके अंदर डालते हैं, वॉटर के साथ, वॉटर के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, होता है क्या है, सपोज करो हमारे पास एसिड है, एसिड के कौन, HCl माने मान लिया एक एसिड है, कौन कौन से आयन बनते हैं, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। एक्चुअल में ना अगर हम इसकी नॉर्मल स्टेट देखें विदाउट एडिंग वॉटर इन टू इट, तो ये H पॉजिटिव आयन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर H पॉजिटिव आयन को एग्जिस्ट करना है तो वॉटर के अंदर ही एग्जिस्ट करेगा। और जब वाटर, जैसे ये हमारा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव ब्रेक हो गया, और जब ये वाटर के साथ मिलता है ना H पॉजिटिव, तो ये क्या बना देता है, एक आयन बना देता है H3O पॉजिटिव। कौन सा आयन बना देता है, H3O पॉजिटिव, जिसको हमने क्या नाम दिया है, हाइड्रोनियम आयन। क्या नाम दिया है, हाइड्रोनियम आयन। H पॉजिटिव आयन अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, वो किसके साथ एग्जिस्ट करता है, वो वाटर के साथ कंबाइन हो गए H3O पॉजिटिव आयन की फॉर्म में, मतलब हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लियर है, ये हमारा, अगर हमारा कोई बेस हो उसके अंदर हम क्या डाल दें, वाटर डाल दें, तो वहां पर क्या बन जाता है, ये ब्रेक हो जाता है हमारा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ऐसे और कोई बेस हो, KOH है मान लो, इसमें अगर हम वाटर डालते हैं तो ये भी हमारा K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। और बेस ले लो, ये है जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी बेस है भाई, अगर इसमें हम वाटर डालेंगे तो क्या होगा, ये हमारा कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 OH नेगेटिव, इसके अंदर ब्रेक हो जाएगा। तो सारे के सारे जो एसिड्स होंगे उनमें हाइड्रोनियम आयन कॉमन होगा, ठीक है, ये किसकी बात है हमारी, ये होगा एसिड्स में।
और जो OH नेगेटिव है वो किस में होगा हमारा, बेसिस में। ये चीज मैं आप लोगों को पहले समझा चुका हूँ कि जो हमारा H3O पॉजिटिव है वो एसिड्स में होगा, मैंने H पॉजिटिव बताया था उस टाइम पे, लेकिन जो H पॉजिटिव होता तो एसिड के अंदर है बट वो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वाटर के साथ एग्जिस्ट करता है। तो ये होता है हमारे एसिड के अंदर और ये होता है बेस के अंदर। सारे एसिड्स H3O पॉजिटिव रखते हैं और सारे बेस हमारे OH नेगेटिव उनके पास होता है। क्लियर है? ठीक है। तो स्टूडेंट्स जब भी हमारा कोई एसिड, मान लो ये हमारा क्या एक एसिड है, किसके साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ रिएक्ट करता है, लेट अस से दिस इज बेस, तो हमारा क्या बना देता है, ये हमारी चीजें कंबाइन हो जाती हैं और ये वाटर बाहर निकल जाता है, मतलब एम एक्स बना देगा और साथ में एच टू ओ बाहर निकल जाएगा। कैसे? अगर हमारा एच एक्स है सी एल प्लस एम यहाँ पर मेटल है एन ए और ओ एच, तो है ना यहाँ पर ये एन ए सी एल तो आपस में क्या हो जाते हैं कंबाइन होकर क्या बना देते हैं एन ए सी एल, और ये एच इसके साथ कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर देता है वॉटर फॉर्म कर देता है। सो वी कैन से दैट एसिड प्लस बेस ऑलवेज मेक्स सॉल्ट प्लस वॉटर एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है भाई? ठीक है। अब एक प्रोसेस और होती है हमारी भाई डाइल्यूशन। सपोज करो हमें क्या करना है, मान लो अगर एसिड हमारा प्योर फॉर्म में है तो उस एसिड को बोलते हैं हम कंसंट्रेटेड। तो अगर कंसंट्रेटेड की बात करते हैं हम कंसंट्रेटेड, तो इसका मतलब है प्योर, ठीक है। बट अगर उसमें हम वॉटर के साथ उसको मिक्स करने लग जाते हैं, ठीक है, मतलब उसके अंदर वॉटर ऐड करने लग जाते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं डाइल्यूशन। क्यों? इस प्रोसेस में होता क्या है, जो हमारे एच पॉजिटिव आयन है और ओ एच नेगेटिव आयन है, एसिड के अंदर ये घटने लगते हैं और बेस के अंदर भी ये जो हमारे इनके कोरेस्पोंडिंग आयन है उनकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है घटने लग जाती है। क्या हो जाती है? इनकी कंसंट्रेशन घटने लग जाती है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन, ठीक है। एक बात और भाई, अगर हमें क्या करना है, हमें एसिड और वाटर को मिक्स करना है, तो हम कैसे क्या करेंगे, हमेशा वाटर के अंदर एसिड डालेंगे। एसिड डालेंगे कहां पर? वाटर के अंदर, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप। जब भी हमको डाइल्यूशन करना है तो हम वाटर के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालना शुरू करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे भाई? क्योंकि भाई एसिड की और जो वाटर है उसकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है वहां पर क्या रिलीज होती है, हमारी हीट बहुत ज्यादा रिलीज होती है। क्या होती है? हीट बहुत ज्यादा रिलीज होती है। तो अगर हम एसिड के अंदर वाटर डाल देंगे तो एकदम से हीट बहुत ज्यादा रिलीज होगी, जिससे क्या हो सकता है, जिससे जो बीकर है जिसके अंदर वो एसिड है वहां पर, या फिर वो वाटर है उसके अंदर क्या हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है बहुत ज्यादा हीट निकलने की वजह से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एसिड को वाटर के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप, वन ड्रॉप, टू ड्रॉप। बीकर लिया वाटर का, उसके अंदर वन ड्रॉप ऑफ एसिड, टू, थ्री, फोर, ऐसे। ऐसे नहीं कि हमने एसिड लिया और उसके अंदर वाटर डाला, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, वो हमको चोट पहुंचा सकती है, बर्न कर सकती है। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एसिड डालना पड़ेगा वाटर के अंदर, और वो भी कैसा, ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो जब भी हम क्या करेंगे, मिक्सिंग करेंगे, मिक्सिंग ऑफ वाटर टू एसिड्स और बेसिस, इससे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन मात्रा, कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव आयंस जो हमारे एसिड और बेस में हैं, एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव आयंस हैं, उनकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। तो मैंने पीछे भाई एक जगह ये लिखा होता ना, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट
HCl, उस डाइल्यूट HCl का मतलब क्या है, HCl अपना प्योर फॉर्म में नहीं है, उसके अंदर क्या मिक्स है, वाटर मिक्स है, इसीलिए उसको क्या बोला गया है, डाइल्यूट बोला गया है। क्लियर है? आज के लिए स्टूडेंट्स हम यहीं तक कर पाएंगे। आप लोग अपने नोट्स जो हैं उनको साथ में बनाते रहिए, और अगर आप लोग ये लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियोस आती रहें जो आपके लिए हेल्पफुल है। उसमें हमारा कोई भी ये नहीं है कि हमारा स्वार्थ हुआ है इस चीज़ में, नहीं, ठीक है? तो आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियोज़ क्या करनी है, शेयर करनी है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड लक।